नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। बिहार की खबरों की शुरुआत करते हैं। बिहार चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार तेजी से बढ़ रहा है। सभी राजनीतिक दल अपने अपने चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। जिले के बेलागंज विधानसभा से राजद उम्मीदवार डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव के चुनाव प्रचार में तेजस्वी यादव पहुंचे। जैसे ही तेजस्वी यादव पहुंचे तो समर्थक बेकाबू हो गए और जमकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती दिखाई दी। प्रशासन देखती रही और समर्थक मंच के पास पहुंचकर हंगामा करते रहे। बिहार में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव करीब आता जा रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक दलों का प्रचार भी बढ़ता जा रहा है। वहीं प्रत्याशियों के नामांकन का दौर चालू हो गया है। एनडीए ने आशीर्वाद सभा का आयोजन किया। सभा में डिप्टी सीएम और शहनवाज हुसैन ने शिरकत की। वहीं डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने जनता के सामने सरकार की उपलब्धियां गिनाई तो शहनवाज हुसैन ने विपक्ष को अर्बन नक्सली बताया। भाजपा की आशीर्वाद सभा में भारी संख्या में भीड़ मौजूद रही। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। मंगलवार तक तीसरे चरण के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया जाएगा। सोमवार को जदयू के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विश्वस्त माने जाने वाले विजय कुमार चौधरी ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान उन्होंने चिराग पासवान पर भी हमला बोला। समस्तीपुर के सरायगंज विधानसभा सीट से जेडीयू प्रत्याशी के तौर पर नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद विजय चौधरी ने पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि एनडीए की सरकार में राज्य के अंदर काफी विकास हुआ है। सिर्फ सरायरंजन विधानसभा क्षेत्र नहीं बल्कि पूरे समस्तीपुर में काफी विकास हुआ है। नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री के रूप में जो अरे भाई माइक ऊपर जा रहा है, नीचे करूं ना क्या? ये काफी है, पहले से भी अच्छे मार्जिन से सरकार। सिर्फ एक है कि 15 साल में बिहार तबाह बर्बाद हो गया। विकास का नाम लेकर और नारा देकर नीतीश कुमार जी सत्ता में आए थे और बिहार आज पूरा भारतवर्ष में सभी राज्य विकसित हो गया और कहां से कहां पहुंच गया, बिहार और रासातल में चला गया। पहले मैं नामांकन कर लेती हूं, उसके बाद समस्तीपुर का जो मुख्यमंत्री जी का सपना जो अधूरा पड़ा हुआ है समस्तीपुर में, उस पर मैं खड़ा हूं। कटिहार के कोढ़ा विधानसभा क्षेत्र से सोमवार को 3 उम्मीदवारों ने नामांकन पर्चा दाखिल किया। आगामी 7 नवंबर को तीसरे चरण के विधानसभा चुनाव को लेकर कोढ़ा विधानसभा क्षेत्र से 7 प्रत्याशियों ने सोमवार को अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। श्रीचंद कोल्ड स्टोरेज से भाजपा के प्रत्याशी कविता पासवान अपने समर्थकों के साथ जिला मुख्यालय में नामांकन पर्चा दाखिल करने पहुंचे। वहीं मूसापुर बाजार से महागठबंधन एवं कांग्रेस के उम्मीदवार निवर्तमान विधायक पूनम पासवान ने भी अपना नामांकन कराया। जबकि उम्मीदवार वकील ने गेड़ाबाड़ी बाजार से अपना नामांकन किया और रालोसपा से ललित कुमार ने भी अपना नामांकन कराया। बिल्कुल कार्यों के लिए इसलिए उत्साहित है कि हमने काम किया है और मैं जनता से मैं अपनी अपील करना चाहती हूँ कि मैंने काम किया है, काम के आधार पर मैं बोलूँ। किस तरह के कार्य आप किए फील्ड में? बहुत तरह का, देखिए 173 हमने सड़क बनाने का काम किया, 8 पुलिया बनाने का काम किया, बड़े पुल 4 पुल बनवाए हैं, कई का DPR मेरा तैयार है जो जनता प्रेम से वोट देंगे आने वाले में, फिर जो बचा हुआ है मैं वो पूरा करने का काम करूँगा। जहाँ पे कोढ़ा में 30 बेड का हॉस्पिटल था, मैंने उसे 60 बेड करने का काम किया। धमदाहा विधानसभा से आज कुल 17 प्रत्याशियों ने निर्दलीय व अलग अलग दलों से अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। आपको बता दें कि सभी 17 प्रत्याशियों में 9 प्रत्याशी रुपौली विधानसभा क्षेत्र से हैं, तो वहीं धमदाहा विधानसभा क्षेत्र संख्या 61 से कुल 8 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया है। सभी प्रत्याशियों में प्रमुख रूप से धमदाहा विधानसभा क्षेत्र से जदयू से लेसी सिंह, राजद से दिलीप कुमार यादव व रालोसपा से रमेश कुमार मेहता उर्फ रमेश कुशवाहा है, तो वहीं रुपौली विधानसभा क्षेत्र से जदयू से पूर्व मंत्री बीमा भारती, महागठबंधन के घटक दल CPI से विकास चंद्र मंडल एवं लोजपा से शंकर सिंह शामिल हैं। पहले से घूम ही रहे हैं और फिर से घूमेंगे क्षेत्र में, जनता के बीच जाएंगे। लगातार 4 बार आप विजयी रहे हैं, इस बार 5वीं पारी आप खेल रहे हैं, इसमें क्या खास इस बार करेंगे आप क्षेत्र के लिए? ताकि हमारा रुपौली की जनता ने एक बार नहीं चौथा बार जिता करके विधानसभा घेरने का काम किया है। इस बार भी जो है मुझे उम्मीद है, विश्वास भी है कि रुपौली की जनता मुझे आशीर्वाद देंगे, क्योंकि रुपौली में काम किए हैं और जो भी काम बचा हुआ है उसको पूरा करेंगे। कई बार प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया, मैंने बिना भेदभाव का सबका विकास किया, सभी को सम्मान दिया और सभी वर्गों का विकास किया। वही विकास के मुद्दा को लेकर जो हम लोगों ने
सभी का सम्मान किया, बिना भेदभाव का विकास किया, उन मुद्दा को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे। और हमारी सरकार ने जो विकास का काम किया है बिहार में और धमधा में, उस काम को लेकर हम लोग क्षेत्र में लोगों के बीच जाएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेजी से चल रही हैं और नामांकन और प्रचार का काम भी तेजी से हो रहा है। आपको बता दें कि सहरसा विधानसभा से आरजेडी के लवली आनंद व महिषी से गौतम कृष्ण, भाजपा के आलोक रंजन, जाप के रंजन प्रियदर्शी समेत भाजपा से बागी हुए उम्मीदवार किशोर कुमार मुन्ना ने निर्दलीय से अपना नामांकन पर्चा सहरसा के अनुमंडल कार्यालय में भरा। वहीं जदयू के भी प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। सहरसा से आरजेडी के प्रत्याशी लवली आनंद ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जनता इस बार सजग है, हम लोग नीतीश की सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे और जसवी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। इस दौरान सभी प्रत्याशियों ने अपनी अपनी जीत का मुकम्मल दावा और क्षेत्र में विकास की बात कही। देखिए, हम लोग का तो सब कुछ आप लोग जान ही रहे हैं, हम लोग आरजेडी परिवार के सदस्य बन के आए हैं। और बिहार में जो है भ्रष्टाचार खत्म करना, अन्याय खत्म करना और कोसी का विकास करना, कोसी के लिए अनवरत संघर्ष करना और यही हम लोग का है, विकास मुद्दा है। बिहारी फर्स्ट हमारा जो नेता है, हमारे माननीय चिराग पासवान जी का जो नारा है, उसी नारे पे हम लोग चुनाव लड़ने की कोशिश करेंगे और मेरे पिताजी का जो दिया हुआ आदर्श है, उस रास्ते पर चलने की पूरी कोशिश करेंगे ताकि महसी की जनता कभी अकेला न फील करे। छपरा में बाढ़ के पानी से लोगों की परेशानियां काफी बढ़ती जा रही हैं। बाढ़ पीड़ितों को अब तक जीआर राशि नहीं मिली है, इससे ग्रामीण काफी परेशान है। नाराज ग्रामीणों ने प्रशासन के प्रति आक्रोश व्यक्त करते हुए रामपुर पंचायत के गलीमापुर गांव के 3 मुहानी सड़क जाम कर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। पंचायत के विभिन्न जगहों पर वोट बहिष्कार का पोस्टर लगाया गया। ग्रामीणों ने कहा कि प्रशासन की लापरवाही के कारण अब तक बाढ़ पीड़ितों के बीच राशि नहीं पहुंच पाई है और अधिकारियों से पूछने पर बहाना बनाया जा रहा है, अगर बाढ़ पीड़ितों को राशि नहीं मिली तो विधानसभा चुनाव में वोट का बहिष्कार किया जाएगा। से बाढ़ का पानी पड़ा हुआ है, आने जाने का रास्ता भी नहीं है। इस पोजीशन में हम लोग का जीआर राशि आज तक नहीं आया। किसी किसी प्रखंड में, किसी किसी पंचायत में, किसी किसी जगह दोबारा फॉर्म भरा जा रहा है, हम लोग का आज तक पैसा नहीं आया। इसलिए हम लोग ये शपथ लेते हैं कि जब तक जीआर राशि का पैसा नहीं आएगा, हम लोग वोट नहीं देंगे, किसी को नहीं देंगे। जो समस्या अभी बनी हुई है, जो कि अभी चारों तरफ से 1 नंबर वार्ड से लेके 4 नंबर से लेके और पूरे पंचायत बाढ़ के चपेट में, जो कि सीओ साहब के द्वारा यहाँ 4 नाव भी भेजी गई और लेकिन उनसे कहने पर कहते हैं कि अभी नहीं सुनेंगे, इसलिए कि चुनाव बीच में चुनाव का मुद्दा डाल देते हैं। सब जगह पानी पानी से भरा हुआ है, सब नेता लोग आता है, सरकारी अफसर लोग आता है, सब जांच पड़ताल करके चला गया, लेकिन आश्वासन देकर के आज तक ले कुछ नहीं किया। हम लोग सब भूखे मर रहे हैं, अगला फसल भी होने की कोई संभावना नहीं है, इसलिए इस पर कोई विचार किया ना तो हम लोग वोट नहीं देंगे या न किसी को मीटिंग वीटिंग करने देंगे। के सभी जनता ने एकमत एकजुट हुआ है कि जब तक जीआर राशि का पैसा नहीं आएगा तब तक हम लोग किसी पार्टी के वोट नहीं देंगे। और स्थानीय प्रशासन डीएम सीओ सब लोग सो गया है, सभी जनता ने कर्जा कार के खेती किया है, एक बार बाढ़ आया फिर दोबारा बार बाढ़ आ गया, कोई अधिकारी सुन नहीं रहा है, इसलिए हम लोग वोट का बहिष्कार कर रहे हैं।